Good morning, students. I hope you are all fine. So today we are here for our next chapter, chapter number 2, the plant fairy. In our previous lesson, the Poonam Shriya, we explored the animal kingdom and we found out that the earth where we live in is the most beautiful place, and there is no place like earth. So it is our duty to protect it. Like animal kingdom, we also have plant kingdom there. So in this chapter we will learn about plants. Plants are also living organisms and they live and they survive. Plants bhi kya hai, hamari tarah hai, living organisms hai. They also survive like us. They need things to live and nutrients to grow healthy. Unhe bhi kya chahiye? Nutrients chahiye grow karne ke liye. Jaise hum sabko food chahiye, nutrients chahiye proper grow karne ke liye, isi tarah se plants ko bhi nutrients ki zarurat padti hai grow karne ke liye. So in this chapter we will learn about plants. So what will we study in this chapter? Plants and trees. We will study about types of plants, parts of the plants, taking care of plants. So plants ka dhyan, unki dekhbhal kaise kar sakte hain. Summary of the lesson. It means हम इस lesson में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं. There are different types of plants around us. हमारे चारों तरफ अलग-अलग तरह के plants हैं. Plants differ in sizes and are classified as trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. Plants जो हैं वो अलग-अलग size के according उन्हें क्लासिफाई किया गया है एज ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. एक प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो भी हम इस लेसन में पढ़ेंगे. व्हाट प्लांट्स नीड टू सर्वाइव. प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है. प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स एंड दे वेरी sizes and colors and smell also. जो हमारे plants हैं वो अलग अलग size के हैं, अलग अलग shapes के हैं, अलग अलग colors के हैं और उन सबकी smell भी different है. So students, in this chapter there is a little girl Didi who acts as a plant fairy. इस चैप्टर में आपको एक स्टोरी दी गई है जिसमें कि एक लिटिल गर्ल है दीदी, वो प्लांट फेयरी का रोल प्ले कर रही है और उसके साथ उसके कुछ फ्रेंड्स हैं अमू, दयाराम, माइकल, शबनम. दे ऑल वर प्लेइंग इन अ गार्डन. वो सब क्या कर रहे थे, गार्डन में खेल रहे थे. वहां उन सब ने प्लांट्स को देखा. आप भी कभी गार्डन में जाएंगे तो बहुत सारे प्लांट्स आपको दिखाई देंगे. तो उन प्लांट्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया और बहुत सारे उन प्लांट्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दिए. सो कम लेट अस एक्सप्लोर द प्लांट्स विद देम. सो फर्स्ट है ट्रीज. अ वेरी बिग प्लांट इज कॉल्ड ट्री. एक प्लांट जब बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा जो प्लांट होता है उसे क्या कहते हैं, ट्री. अ ट्री हैव वुडी एंड थिक स्टेम्स. आप लोगों ने देखा होगा ट्रीज की वुडी और बहुत थिक स्टेम होती है. उसका जो स्टेम होता है जिसे कि ट्रंक भी कहा जाता है वो बहुत थिक होता है. एंड इट हैव मैनी ब्रांचेस. For example, neem, peepal tree, mango tree, orange tree, बहुत सारे trees हैं. आप सब भी जानते हैं mango tree. And
Shrubs are smaller than trees. Shrubs जो होते हैं वो trees से smaller होते हैं. And they are thin and woody stem. उनकी जो stem होती है वो woody होती है but बहुत thin होती है. Trees की जो stem होती है वो बहुत thick होती है और shrubs की जो stem होती है बहुत thin होती है. They are like bushes and they are also have many branches. For example, rose, marigold and jasmine, sunflower, these all are shrubs. And next is herbs. Herbs are smaller than shrubs. Herbs jo hai wo shrubs se bhi bahut small hote hain and some of them have medicinal values. उनमें से कुछ प्लांट्स जो हर्ब्स होते हैं उनमें से ज्यादातर प्लांट्स की कुछ मेडिसिनल वैल्यूज होती है. मींस उन्हें मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है या फिर उनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारी डिजीजेस को खत्म करती हैं. एंड वी हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स. उनकी जो स्टेम होती है वो वुडी नहीं होती, ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन होती है और बहुत सॉफ्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल तुलसी एंड मिंट. सो नेक्स्ट क्रीपर्स. क्रीपर्स आर सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक स्टेम. जो क्रीपर्स होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या बहुत वीक स्टेम होती है उनकी, वो खुद से स्टैंड नहीं कर पाते जैसे, इसीलिए दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड. क्या करते हैं वो अलोंग द ग्राउंड ही ग्रो करते हैं. आपने देखा होगा जैसे कुकुम्बर है, वाटरमेलन है, पंपकिन है, ये सब क्या अलोंग द ग्राउंड ग्रो करते हैं बिकॉज दे आर वेरी वीक स्टेम. तो नेक्स्ट है क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स आर ऑल्सो आर सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक स्टेम. जो क्लाइंबर्स होते हैं वो भी उनकी भी बहुत सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम वीक स्टेम होती है but they need to support to stand straight. उन्हें straight stand करने के लिए support की जरूरत होती है. आप लोगों ने भी normally घर में देखा होगा कि मनी प्लांट जो है वो directly ऐसे grow नहीं कर पाता because it have very weak stem. तो क्या होता है उन्हें किसी support की जरूरत होती है. तो मनी प्लांट में भी या तो किसी स्टिक की हेल्प से या फिर किसी थ्रेड की हेल्प से उन्हें सपोर्ट दिया जाता है और उसकी हेल्प से वो उसके साथ ग्रो करते हैं. एंड ग्रेपवाइन दी ऑल आर क्लाइंबर्स. सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. वी हैव टू मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. हमारे पास प्लांट के दो मेन पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज रूट सिस्टम एंड सेकेंड इज शूट सिस्टम. नाउ वी आर स्टडी अबाउट ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. सो देयर इज आर रूट एंड शूट. सो रूट आर द पार्ट ऑफ प्लांट्स विच ग्रो अंडर द सॉइल. जो पार्ट प्लांट का अंडर द सॉइल ग्रो करता है, सॉइल के नीचे ग्रो करता है उसे क्या कहते हैं रूट सिस्टम. एंड विच पार्ट ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड शूट सिस्टम. जो पार्ट प्लांट का अबव द सॉइल ग्रो करता है उसे कहते हैं शूट सिस्टम. एंड दीज आर फ्लावर्स, दीज आर ब्रांचेस, दीज आर लीव्स एंड दिस इज बड एंड दीज आर फ्रूट्स एंड दिस इज स्टेम. सो आप सबको समझ आया पार्ट्स ऑफ द प्लांट. प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो सब कैसे दिखाई देते हैं. नाउ स्टूडेंट्स आई विल टेल यू अबाउट द प्लांट्स दैट दे ग्रो अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑल्सो. कुछ प्लांट्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू प्लेस ग्रो करते हैं. जैसे फर्स्ट होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं जो कि लैंड में ग्रो करते हैं. दे
जैसे आप लोगों ने लोटस के बारे में सुना होगा, लोटस को देखा होगा कभी, वो क्या होता है प्लांट, वो क्या पानी में ग्रो करता है. सो दे आर एक्वाटिक प्लांट्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स. हमें प्लांट्स की देखभाल कैसे करनी चाहिए. Plants की हमें care कैसे